मैं आपके घर के बाहर खड़ी हूँ। मरने से पहले एक दफा आपसे मिलना चाहती हूँ। पागल हो गई हो? मैं आ रहा हूँ। मैं पागल थी जो मैंने तुमसे दोस्ती की, लेकिन तुमने सिर्फ अपने कर्ज के लिए मुझसे दोस्ती। ओके एनफ। मुझे अभी इसी वक्त शादी करनी है और जब मैं बच जाऊँ। सबा, सबा। जी अम्मी। हया को देखो किधर है, अभी तक उठी नहीं। मैं जाती हूँ। अम्मी, अम्मी, हया अभी कहीं नहीं है। तुम छत पे देख लो, छत पे होगी। मैंने देख लिया, छत पे कहीं नहीं है वो। क्या उल्फुल बकरी हो, छत अच्छी तरह से देखा था तुमने? अम्मी, हमारी छत कितनी बड़ी है, मैंने सारा देख लिया, आप ही कहीं नहीं है। या अल्लाह, कहाँ गई होगी वो? अम्मी, वो यूनिवर्सिटी तो नहीं गई? यूनिवर्सिटी? मायों की जोड़े में थी वो, शाम को निकाह है उसका। आप परेशान ना हो, मैं फोन करती हूँ। नंबर बन जा रहा है। हाय हया, ये क्या कर दिया तूने? जीते जी मार दिया हमें तो। अल्लाह, एक में तो हया, इसने तो हमें जीते जी मार दिया। अम्मी आप परेशान ना हो, हो सकता है वाकई यूनिवर्सिटी गई है वो। तो उसका फोन क्यों बंद आ रहा है? आप परेशान ना हो, मैं शहजाद को कहती हूँ, वो पता कर देगा ना, वो यूनिवर्सिटी होंगी। और अगर आप इस तरह परेशान होंगी ना, तो अब्बू को पता चल जाएगा और फिर आपको पता है अब्बू कैसे बिहेव करेंगे। उसे तो वैसे भी पता लगना है जब हया यहाँ पे नहीं होगी। खुदा के नाम ले अम्मी, आप इतना परेशान ना हो, अभी पता चल जाएगा ना, मैं शहजाद को कॉल करती हूँ। मॉर्निंग। आओ बेटा, कभी मामा के पास भी बैठ जाया करो। जी मां। और सुनाओ, छुट्टियां तो एंजॉय कर रही हो ना? मॉम, स्प्रिंग ब्रेक चल रहा है तो उसके बाद फिर एग्जाम्स ही होंगे। इससे डैड नहीं नजर आ रहे। तुम्हारे डैड तो सारी रात से गायब है, घर ही नहीं आए। क्या पापा रात से घर नहीं आए? पर आने के बाद पापा आपको बताकर गए हैं क्या? नहीं, मुझे भी अभी पता चला है कि वो रात से घर नहीं आए। अच्छा, आई थॉट कि आप लोगों को पता होगा कि शहरयार सारी रात घर पर नहीं है। तुम लोगों को तो पता है ना कि मैं तुम्हारे बाप के मामलात में नहीं बोलती। भाई प्लीज, आप डैड को कॉल करके पूछें, क्योंकि बहुत वियर्ड बात है, डैड कभी भी रात को कहीं नहीं रुके। तुम रिलैक्स रहो, मैं कॉल करता हूँ डैड को। बताया नहीं कि आपका एक फ्लैट भी है? नहीं, ये मेरा नहीं है, मेरे दोस्त का है। अच्छा यार, लेकिन आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? यू आर मैरिड नाउ, बीवी हूँ आपकी। हाँ, लेकिन तुम जानती तो हो कि सब कुछ इतना सडन हुआ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। But you don't worry. मैं बहुत जल्द सब कुछ सेटल डाउन कर लूंगा।
एमरजेंसी में फंस गया था। हाँ ओके ठीक है, मुझे जाना। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं शाम में दोबारा चक्कर लगाऊंगा, तुम इजी हो, मैं बस आता हूँ शाम में। ठीक, ये कीज हैं अपार्टमेंट के। अल्लाह हाफिज़। थोड़ा सा पानी पी लो। कब से रो रही है? सब मेरा तो कलेजा फट रहा है। मैं तेरे बाप को क्या जवाब दूंगी? अम्मी आप परेशान ना हो, अभी शहजाद आएगा, अच्छी खबर लाएगा कोई। हाँ क्या हुआ? मैं यूनिवर्सिटी एक हफ्ते से बंद है। अरे तूने क्या कर दिया? मैं क्या हो गया ऐसा मालूम खुद को? शाम को निकाले, थोड़ी देर में सारे मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। मैं सबको क्या जवाब दूंगी? तेरा बाप तो सुनते ही मर जाएगा, उसका हार्ट फेल हो जाएगा। इससे तो अच्छा था, इससे तो अच्छा था जहर खा के मर जाती वो। हमारी इज्जत तो नीलाम नहीं करती। अरे नहीं चाहिए मुझे पानी, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे हया आपी ने अच्छा नहीं किया। थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा। पप्पू ये इतने फ्रूट्स किसके लिए काट रही हैं? आपकी प्रिंसेस के लिए। प्लीज अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अगर मुझे खाना होगा मैं खा लूंगी। जी जी हम सब जानते हैं कि आप अपनी सेहत का कितना ख्याल रखती हैं। काटने दो काटने दो, तुम नहीं खाओगी तो मैं खा लूंगा। सारे एप्पल्स फिनिश करने हैं, इसके बाद ऑरेंजेस की बारी। हाय यार। हाय। कैसे? हाँ मैं ठीक। मॉम ने बताया आप सारी रात घर पे नहीं थे। कहाँ थे आप? शेरा भाई सब खैरियत है ना? कुछ परेशान से लग रहे हैं। मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था तो इमरजेंसी में मुझे वहां जाना पड़ा। तो क्या उसकी कोई फैमिली नहीं है यहाँ? नहीं उसकी फैमिली यहाँ नहीं होती, वो बाहर होती है, तो मैं चला गया। अब कैसी तबीयत है उसकी? काफी बेहतर। शेरियार भाई का ऐसा कौन सा दोस्त है? इतना तो शोर है कि शेरियार भाई झूठ बोल रहे हैं। दाल में जरूर कुछ काला है। आप बहुत थक गए होंगे, आप बैठिए मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूं। नहीं नहीं मैं अपने रूम में जाऊंगा बस।
तुम तो कह रहे थे कि मैं कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। सुमल यानी मैं अपनी मर्जी से अपने घर में कहीं नहीं जा सकता। क्या बात है शेरिया, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? अरे हेया, तू जहाँ गई भी है मर जा। अब कोई फायदा नहीं है कोर्स में देने का, वो तो हमारी इज्जत का जनाजा उठा के चली गई ना। खालू शफकत, खालू 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 तुम तो कह रहे थे कि मैं कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। अरे भाई मेरी मर्जी, मैं वहां आराम करूं या यहां? So what? चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया है। सुमल यानी मैं अपनी मर्जी से अपने घर में कहीं नहीं जा सकता। हाँ क्या बात है शहरयार, हर बात में इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? प्लीज लीव मी अलोन। वालेकुम अस्सलाम। शकीला क्या हुआ, तुम तो बिल्कुल लट्ठे की तरह सफेद हो रही हो। अरे आज तो खुशी का दिन है, हम बहनों के साथ साथ समधन भी होने जा रहे हैं, गले लगो। अरे पागल हो गई है क्या, बेटी की शादी हो रही है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। सर से एक बोझ हल्का हो रहा है। अबम मुझे तुमसे कुछ कहना है। अस्सलाम वालेकुम। अरे सब कहना सुनना होता रहेगा, पहले मुझे मेरी बहू से मिलवाओ। चलो खाला दुआएं दे, मैं मस्जिद जा रहा हूँ निकाह के लिए। खाला क्या हुआ शकीला? खाला हुआ क्या है, खालू तो ठीक है ना? खाला क्या हो गया? हया बाजी सुबह से घर पर नहीं। क्या Thank you.
कुछ पता लगा है का? नहीं खाला, हर जगह देख लिया आप, लेकिन हया का कुछ पता नहीं चला। यूसुफ मैं तो कहती हूँ पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट करा दे। शकीला तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हारी लड़की को कोई उठा के नहीं लेके गया है, घर से गायब हुई है, इसका मतलब अपनी मर्जी से भागी है। अम्मा खाला बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर हमने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई तो वो हमसे उल्टे सीधे सवालात करेंगे। वो तो हमारा मुंह काला करके चली गई है और अजाब में आ जाएंगे। अरे हया तू जहां गई भी है मर जा। अब कोई फायदा नहीं है कोर्ट में देने का, वो तो हमारी इज्जत का जनाजा उठा के चली गई ना। मुझे यकीन नहीं आ रहा हया मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है। खालू शफकत, खालू खालू शफकत, अब्बा क्या हो गया, क्या हो गया, ये अल्लाह अब्बा पानी लेके आओ, पानी लेके सब आओ, पानी लेके आओ, सब पानी लेके आओ, अरे डॉक्टर को बुला। ये सब कुछ ना इसी की शय पर हुआ है। अभी तो एक घर छोड़ के भागी है ना, अभी तो देखना ये दूसरी भी मुंह काला करके भागेगी। बस कर दे अम्मी, इस सब में खाला का क्या कसूर है, इनकी हालत पे कुछ रहम तो करे। वहां खालू जिंदगी और मौत से लड़े, हया को कुछ अता पता नहीं है, और ये तो वैसे ही जिंदा लाश बनी। और आप दिलिश का